हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीबीटी आर्या में। तो आप हैं क्रिकेट चैनल पे जहां आपको मैच से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ मिलती रहे। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैच की ओर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द हंड्रेड्स मैच कॉम्पिटिशन 2022 के बारे में। ये मैच नंबर 16 है जो कि होने वाला है मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और वेल्स फायर के बीच में। हाँ, तो दोस्तों, सजनों, भाइयों और उनकी बहनों, तो ये मैच होने वाला है 16 अगस्त ट्यूजडे 2022 को 11 PM से, और ये होने वाला है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर इंग्लैंड में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं वापस रिमाइंडर दे दूँ कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपडेट रहें समय के साथ साथ। अगर हम बात करें अब मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की, तो हमारे टॉप रन स्कोरर हैं जॉस बटलर, वहीं टॉप विकेट टेकर हैं मैट पार्किंसन अगेंस्ट वेल्स फायर के। और अगर बात की जाए वेल्स फायर की, तो हमारे टॉप रन स्कोरर हैं टॉम बेंटन, वहीं टॉप विकेट टेकर हैं एडम जंपा। तो अब अगर हम पिच की बात करें तो कॉन्स्टेंट बाउंस देने वाली पिच है, टॉस के बाद बल्लेबाजी करना ही अच्छा होगा। मैच के साथ साथ पिच अच्छी पेस में हो रही है, काफ़ी अच्छा सरफेस है स्पिनर्स के लिए। अब अगर हम की प्लेयर्स की बात करें तो हमारे मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की साइड से नंबर 1 पे आएंगे जॉस बटलर, सेकंड पे आएंगे फिल साल्ट और वहीं थर्ड पे आएंगे मैट पार्किंसन, और वहीं वेल्स फायर की साइड से नंबर 1 पे आएंगे टॉम बेंटन एंड सेकंड पे आएंगे डेविड मिलर, तीसरे पे होंगे एडम जंपा। अब चलते हैं पिछले 5 मैच की तरफ। तो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने पिछले 5 में से सभी में हार हासिल किया, काफ़ी खराब परफॉर्मेंस है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेल्स फायर की। तो इस टीम ने 5 में से 1 में अपनी जीत हासिल की है। दोनों ही टीमें अच्छी ही हैं लेकिन परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, दोनों की बराबरी पर दोनों ही टीम एक दूसरे को टक्कर दे रही है। हम अगर स्टैटिस को ध्यान रखते हुए दोनों ही टीम को देखें तो अच्छी है, नो डाउट है इसमें। दोनों ही टाइम के साथ साथ प्रोग्रेस कर रहा है, पर अगर हम अपनी साइड से ऊपर नीचे करें तो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स हमारी फाइनल वर्डिक्ट ऑफ प्रेडिक्शन रहेगी। वैसे आप लोगों को क्या लगता है हमें ज़रूर बताएं अपने ख्याल और व्यूज कमेंट सेक्शन में, हम ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे आपको। और जाने से पहले एक बार मैं कहना चाहूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बने रहें हमारे चैनल पर, पूरी जानकारी अपडेट के साथ हम आपको देते रहेंगे। और एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा, स्वागत है।